उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के शेड्यूल को ऑनलाइन जारी कर दिया है। ये परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराई जाएगी। हालांकि 30 सितंबर को कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जो भी उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर शेड्यूल चेक कर डाउनलोड कर सकते हैं। 4 दिन चलने वाली ये परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी, यानी कि सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके परीक्षा केंद्र 3 शहरों में बनाए जाएंगे। परीक्षा प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद जिले में आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर को सुबह की पाली में सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। 28 सितंबर को सुबह की पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। 29 सितंबर को सामान्य अध्ययन के तृतीय और दूसरी पाली में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। फिर 1 अक्टूबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में ऐच्छिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न होगी। बता दें, इस भर्ती के लिए 16 मार्च 2022 को लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया था। इसमें 384 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री 12 जून 2022 को 28 जिलों के 1303 केंद्रों पर हुई थी। इसमें पंजीकृत 602,974 अभ्यर्थियों में से 329,310 ने परीक्षा दी। इसका परिणाम 27 जुलाई को जारी किया गया। इसमें कुल 5,964 अभ्यर्थी सफल हुए, जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सफल घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 25 अगस्त तक आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 31 अगस्त तक इसे ऑफलाइन आयोग में जमा करना होगा।